नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं मैं जो उस सेक्टर में अब थोड़ी कह सकते हैं आपकी परेशानियां चल रही हैं, और ये एक इतना जबरदस्त डिविडेंड स्टॉक है, 10% से भी ज्यादा के डिविडेंड ये आपको कंपनी देती है। और मुझे ये स्टॉक इसलिए पसंद है क्योंकि सेक्टर कमजोर है, 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका है, 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप कि आपके फेवर में है, और कोई निवेशक जो एक डिविडेंड के लिए स्टॉक ढूंढ रहा है और उससे किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करना है तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। हाँ, टेक्निकलिटी के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कब से एक कैसे रीरेटिंग हो सकती है स्टॉक की, ठीक है। तो तमाम चीजों में चर्चा होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आप बता दूं, शायद आज मैं खुद इस स्टॉक को खरीदूंगा और एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ये डिविडेंड स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको डिविडेंड स्टॉक खरीदने हैं तो जब वो अपने 52 वीक लो के आसपास हो, उसमें बड़ी गिरावट हो रही है उनमें, तब ही खरीदने की कोशिश कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। 2.86% कितना, 2.86% की यहां आपको गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और बात करें कौन सा स्टॉक है तो आपको पता तो होगा ही, बता दूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। पिछले एक साल में अगर आप पिछला एक साल देखेंगे तो इसने जो हाई लगाया था 140 का, वहां से आप देखिए अगर गिरावट आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 21.47% गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। और आप देखिए इसका चार्ट, ये गया ऊपर, ये वापस से नीचे, फिर ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे, ऊपर ये, फिर नीचे। तो आप देखिए ये लगातार जो ये कह लीजिए टॉप्स हैं, ये आप देखिए जो ये इनका जो ये सपोर्ट है, ये इसे बना के रखा हुआ है ये, और ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के वापस से आ रहा है। कौन से वो लेवल है आप देखिए, पहला है ये, देखिए इसने बनाया 110 का, वापस ऊपर गया, फिर 110 के आसपास, 109 के आसपास वापस ऊपर गया, फिर ये वापस ऊपर गया, और ये फिर से ये 110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा अगर किसी सपोर्ट में कोई स्टॉक बार बार जाता है तो वो सपोर्ट बहुत कमजोर हो जाता है। और ये वापस से देखिए, और ये सीधा स्ट्रेट इस बार गिर रहा है, तो ये सपोर्ट इस बार थोड़ा कमजोर होते हुए दिखाई दे सकता है। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहां से एक 10 से 15% के आसपास की एक और गिरावट हो सकती है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ऑयल कंपनीज को अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है, हमेशा नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी $120 प्रति बैरल के आसपास वापस से शेयर ट्रेड कर रहा है, वापस से जो क्रूड ऑयल है वो ट्रेड कर रहा है। ओपेक प्लस नेशन ने जरूर कहा है कि भाई हम जो आउटपुट वो बढ़ाएंगे, बीच में थोड़ी सी गिरावट के कारण, लेकिन उसका कोई भी असर इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। और उनका जो इंडियन कंपनीज है वो क्या प्राइस हाइक कर पा रही है, तो आपको पता होगा प्राइस हाइक एक बार हुआ था, एक समय शुरू हुआ था होना, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एकदम से रुक गया है। और यही कारण है कि इनके शेयर प्राइस में उसका असर दिख रहा है, वो प्रेशर इन्हें झेलना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये यही कारण है कि स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगातार आपको गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसका 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे ₹140 के आसपास है, और इसका 52 वीक लो ₹102 के आसपास। और मैं आपको बता दूं, आप देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो सपोर्ट है इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर ये टूटेगा तो फिर फर्दर गिरावट मुझे यहां तक आराम से आती दिखाई दे रही है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये है ₹102 जो कि इसका 52 वीक लो है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए आपको मैं बता दूं कि 102 और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों 90 to 100 ये वो लेवल है, अगर 100 टूटेगा तो ये यहां तक, इससे ज्यादा गिरना मुझे बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिविडेंड स्टॉक होते हैं दोस्तों वो ऐसे ही ट्रेड होते हैं, अगर उनमें गिरावट होती है तो निचले स्तरों में कोई ना कोई बायर उन्हें मिल जाता है, ठीक है। और अभी ये मौका है तो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है जो इसे एक्युमुलेट वो कर सकते हैं, ठीक है। और बात करूं अगर मैं टेक्निकलिटीज की, तो आप देखिए ऑन द टेक्निकल चार्ट्स, द 200 DMA ऑफ द स्टॉक स्टूड एट ₹121.29, जो उस कंपनी का, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो 200 DMA है वो ₹121.21 है, और 50 50 DMA है वॉज एट ₹122.4 है।
और ये दोनों चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? इफ अ स्टॉक ट्रेड्स अबव 50 डीएमए, अगर कोई स्टॉक 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट यूजुअली मींस द इमीडिएट ट्रेंड इज अपवर्ड, ठीक है। लेकिन इंडियन ऑयल में क्या हो रहा है, ये दोनों ही अपने 50 और 20 डे में से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड अ बेयरिश ट्रेंड। इफ ट्रेड्स बिटवीन दिस एवरेजेस देन इट सजेस्ट द स्टॉक कैन गो इधर वे, भैया ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक कहीं भी जा सकता है। और आप देखिए आगे, द स्टॉक ट्रेडेड बिलो द सिग्नल लाइन ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस और एमएसीडी इज सिग्नलिंग अ बेयरिश बायस ऑन द काउंटर। द एमएसीडी इज नोन फॉर सिग्नलिंग ट्रेंड रिवर्सल इन ट्रेडेड सिक्योरिटीज और इंडेक्सेस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 26 डे एंड 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अ 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉल्ड द सिग्नल लाइन इज प्लॉटेड ऑन द टॉप ऑफ द एमएसीडी टू रिफ्लेक्ट बाय और सेल, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटी ये बता रहे हैं कि भाई जो एमएसीडी की सिग्नलिंग होती है वो बेरिश और कह लीजिए बेरिश और बुलिश दोनों टेंग जो सिग्नल है उसको दिखा सकती है, और जो इट इज द डिफरेंस बिटवीन 26 एंड 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो नौ दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो प्लॉट की जाती है एमएसीडी, जो क्या दिखाती है, बाय और सेल अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या हो रहा है इंडियन ऑयल में, तो देखिए इंडियन ऑयल में क्या हो रहा है अगर मैं आपको बताऊं, आप देखिए इधर, ऑन द अदर हैंड द रिलेटिव आरएसआई ऑफ द स्टॉक स्टैंड एट 30.76। ट्रेडिशनली अ स्टॉक इज कंसीडर्ड ओवरब्रॉट ओवरबॉट व्हेन द आरएसआई वैल्यू इज अबव 70 एंड ओवरसोल्ड व्हेन इट्स बिलो 30। तो ये अभी बिलो 30 तो नहीं हुआ है लेकिन उसके आसपास ही है, और मैं हमेशा कहता हूं कि बॉटम तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो जब ऐसी चीजें वो आरएसआई जब 30 के आसपास आ चुका है, ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, वहां पे हमें जो बाइंग है वो जरूर इनिशिएट करनी चाहिए। और ये हमेशा मैं लॉन्ग टर्म लोगों की बात कर रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट टर्म वालों की बात नहीं। और द आरओआई फॉर द स्टॉक स्टूड एट 18.79% व्हाइल द आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी वाज एट 13.27, ठीक है। तो इंडियन ऑयल उन लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे खरीदना, एक बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 10% से ज्यादा का ही आपको डिविडेंड यील्ड देता है, ठीक है। और मैं अगर आपको दिखाऊं डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो आप देखिए इधर 10.8% ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न है दोस्तों। 52 वीक हाई जो इसका है ये है 142, लो 102, और ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे खरीदने की। हाँ, प्रेशर अभी रहेगा क्योंकि कच्चे तेल बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस हाइक को वो कस्टमर तक पास ऑन नहीं कर पा रही ऑयल कंपनीज, तो शायद आपको 10-15-20% के आसपास की गिरावट और होती हुई दिखाई दे सकती है। तो मैं कहूँगा, मैं जो पर्सनली काम करता हूँ, एक बहुत अच्छे फेवरेबल रिटर्न के आसपास एंट्री लीजिए, धीरे से गिरावट हो खरीदारी कीजिए उसे, और वेट कीजिए वापस से 10-12% गिरावट का और उसे फिर एक नेक्स्ट खरीदारी कीजिए। ऐसे करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा, अच्छी डिविडेंड 11% की आपको मिलेगी, और फॉर अ लॉन्गर टर्म आप उतने ज़्यादा रिस्क में नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये सेक्टर प्रेशर में है, स्टॉक भागेगा नहीं, अभी एक रेंज बाउंड या थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपको स्टॉक में जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप एक डिविडेंड स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेश करने की। और यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।